विश्वविख्यात माँ बगलामुखी बनखंडी के प्रांगण में गायक गौरव शर्मा का नया भजन माँ बगलामुखी तेरे दर ते औंदे दीन दुखी लॉन्च किया गया। मकर संक्रांति के सु अवसर पर इस भजन को माता बगलामुखी के आचार्य पंडित दिनेश रतन द्वारा पूरे उत्साहपूर्ण तरीके से लॉन्च किया गया। सर्वप्रथम गायक सौरभ शर्मा एवं उनकी समस्त टीम ने माता बगलामुखी के द्वार में शीश नवाकर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत मंदिर प्रांगण में माता बगलामुखी भजन को लॉन्च किया गया। बगलामुखी मंदिर बनखंडी के पंडित दिनेश रतन ने बताया कि माँ बगलामुखी के आशीर्वाद से लोक गायक सौरभ शर्मा का ये गीत आज सबके समक्ष आया है। सभी इस गीत को YouTube पर जरूर सुने। वहीं इस संदर्भ में गायक सौरभ शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके ऑफिशियल YouTube चैनल सौरभ शर्मा ज्वालाजी पर इस भजन को लॉन्च कर दिया गया है। सभी श्रोतागण इस भजन को सुनकर ढेर सारा प्यार दे। गौरतलब है कि हाल ही में लोक गायक सौरभ शर्मा का पहाड़ी गीत झांझरा दा झंकाटा मार्केट में लॉन्च हुआ था, जिसे हजारों लोगों का प्यार मिला था। अब माता बगलामुखी के इस भजन से उन्हें खासी अपेक्षाएं हैं। मैं बहुत ज्यादा आज मैं खुश हूँ माँ देवी जी के चरणों में, जो कि माँ भगवती जी के चरणों में मेरे को आशीर्वाद मिला। और मेरे मन में था कि मैं माँ जी का एक ट्रैक करूँ, माँ जी का भजन करूँ, तो मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि जो कि माँ ने मेरी मन की इच्छा जो कि मेरी पूरी की है। और मेरे साथ जिन्होंने ये गाना लिखा है वो आज शख्स मेरे साथ बैठे हैं। ये इनके इनके घर हमीरपुर में है, ये प्रदीप राणा जी हैं। आपने जितने भी ट्रैक देखे हैं हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं हमारे कर्नल राणा जी के, इन्होंने ज़्यादातर उनको ट्रैक दिए हैं, तो ये बहुत अच्छा लिखते हैं। और मेरे साथ मेरे बड़े भाई बैठे हैं सौरभ जी, सौरभ चौधरी जी, इनका मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और नीतीश को तो आप सब जानते हैं, ये गायकी के इसके बड़ा अच्छा गाते हैं और कुछ ही दिनों में इनका भी ट्रैक आ रहा है। और बाकी मेरे भाई बंधु आ नहीं सके हैं, और सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं आप ही का ही करता हूँ विनायक जी, क्योंकि आपने मेरे को राय दी थी और माँ जी के चरणों में आप सबकी वजह से आज माँ देवी जी के चरणों में माँ का ट्रैक आज रिलीज हुआ है आपके चैनल के माध्यम से। तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि सब इस ट्रैक को सुने और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। किस प्रकार देखते हैं, जैसा कि आपने जानकारी दी कि आपके ऑफिशियल चैनल में जो इस गाने को लॉन्च कर दिया गया है, आज मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं, कितना सपोर्ट जो है मंदिर प्रशासन की तरफ से मिला बगलामुखी की तरफ से? मंदिर का सपोर्ट बहुत ही ज्यादा मिला जी। जितने भी यहाँ के जो है अपना पुजारी है और जितने भी हमारे सर हैं, जो कि मंदिर का जितना भी प्रशासन है, इनका मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, क्योंकि इनकी वजह से यहाँ पे शूट हुआ है। और जो शूट किया है मनीष जी ने, वो बहुत अच्छा, मंदिर की पूरी लोकेशन बहुत अच्छा शूट किया है। तो मैं अपने जितनी पूरी टीम की तरफ से मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मंदिर का जितना भी ये हमारा प्रशासन है। प्रशासन को धन्यवाद करते हुए अभी एक और प्रश्न हम आपसे लेंगे। इससे पहले आप एक झांझरा दा झंकाटा गीत जो आया था, उससे पहले दाती ये आया मां तेरे दरबार, उसके पहले और भी जो कई गीत जो हैं जो आपने जनता के समक्ष रखे हैं, कितनी तरक्की जो इस गाने की देखते हैं? चैनल मेरे जितने भी मेरे ट्रैक हैं सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और देते हैं माँ देवी जी के चरणों में। दाती ये मेरा सबसे पहला ट्रैक आया था, दाती ये मैं आया तेरे दरबार, उसके बाद मेरा शंकर जी का, और अभी इसके बाद कुछ ही दिनों में मेरा बाबा बालकनाथ जी का एक ट्रैक और आ रहा है जी। तो आपके चैनल के माध्यम से और जनता के जितना भी सपोर्ट है, जनता प्यार करती